अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कंपैरिजन बिटवीन स्कोप एंड कैथ। सो बेसिकली व्हाट इज स्कोप? स्कोप इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और इसमें हम मैनुअली कंपैरिजन करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर का। इसमें कंप्यूटर का इतना रोल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कैथ। इसमें होता क्या है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि कोई माइनर सा डिफरेंस भी हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका आर्किटेक्चर सेम होता है लेकिन माइनर सा डिफरेंस होता है, तो ह्यूमन ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, जब एग्जैक्ट बाउंड्रीज जो लेवल और ग्रुप्स के दरमियान हैं वो ठीक तरह से वाजिया तौर पर हमें नहीं पता चलती, वो अनक्लियर रह जाती हैं। जबकि कैथ हमारे पास क्या है कि क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी, इसमें हम दोनों काम करते हैं। कंप्यूटर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं और ह्यूमन एक्सपर्टीज़ को भी यूज़ कर रहे होते हैं। पहले हम कंप्यूटर एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, हम उनकी हेल्प से अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं और एक कॉन्सेंसिस डिवेलप हो जाता है डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करके। लेकिन अगर कॉन्सेंसिस डिवेलप नहीं होता, डिफरेंट एल्गोरिदम्स का सेम रिज़ल्ट नहीं आता, फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो शुरू होती है, ह्यूमन जो है वो फिर अपना काम करते हैं। इसके अलावा कैथ में क्या है कि आर्किटेक्चर लेवल एक एक्स्ट्रा है, लेकिन इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने ना क्वांटिटी के लिहाज से एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे दी हुई हैं, थ्रेशहोल्ड वैल्यूज़, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूरेसी में इशू आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, कि दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। मोस्टली 80% रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ऑल्दो कि इनके जो की पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं। जो 20% डिफरेंस है ना वो स्ट्रक्चरल फोल्ड्स में डिफरेंसेस आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में रिजल्ट्स शो हो रहे हैं स्कोप और कैथ के, ये दोनों का एग्रीमेंट है। देखिए, क्लास के लिहाज से भी, अल्फा एंड बीटा फोल्ड के लिहाज से भी एग्रीमेंट है, सुपर फैमिली के लिहाज से भी और फैमिली के लिहाज से भी। जबकि जो राइट साइड पर शो हो रहे हैं ना, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है। क्लास अल्फा और बीटा बताई गई है स्कोप में, जबकि कैथ में मेनली अल्फा। आर्किटेक्चर कैथ की एक जो है वो एक्स्ट्रा एक क्वालिटी है। उसके बाद फोल्ड स्कोप में बताया गया है लाइजोजाइम लाइक, जबकि कैथ में लाइजोजाइम। उसके बाद सुपर फैमिली की बात की जाए वो भी लाइजोजाइम लाइक है, जबकि कैथ में हाइड्रोलेज है। इस तरह फैमिली की बात की जाए वो सी टाइप लाइजोजाइम है और कैथ में हाइड्रोलेज है। यानी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, और डिसएग्रीमेंट जो है जस्ट 20% होता है, 80% जो है वो हमारे पास सिमिलर रिजल्ट्स ही आते हैं।